हम अक्सर देखते हैं कि दोपहर के खाना खाने के बाद हमें थकान महसूस होने लगती है और सोने का मन होने लगता है, लेकिन आपको बता दें कि खाना खाने के बाद आने वाली नींद सही नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे रात में बहुत कम नींद लेना या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, एनीमिया और थायराइड विकार जैसी चिकित्सा स्थितियों की वजह से दिन में नींद नहीं आ सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो दोपहर के खाने के बाद कमजोरी, थकान और नींद महसूस होना फूड कोमा की वजह से होता है। इस फूड कोमा को कई नाम से जाना जाता है, जैसे आफ्टर डिनर डीप या पोस्टप्रांडियल स्लीप। हालांकि दोपहर के खाने के बाद नींद क्यों नहीं आती, इस बात का कोई असली कारण पता नहीं चल सका है। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और ग्लूकोज ब्रेन के कुछ हिस्सों में जाकर एक्टिव हो जाता है और ब्रेन को एक्टिव करने वाले न्यूरॉन्स को सुला देता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में ब्लू में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। ऐसे में ब्रेन में मौजूद एक्टिवेटिंग पाथवे कम हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे इस दोपहर के खाने के बाद आने वाली नींद को रोका जा सकता है। खाना एक बार में ज्यादा नहीं खाएं। दोपहर के खाने में दूध, चावल, अनानास और तरबूज जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को खाने से बचें। बैलेंस डाइट लें। डाइट में बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को शामिल करें। खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक जरूर करें। रात में 7 से 8 घंटे जरूर सोएं।